दोस्तों, आप हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लामा टॉप के लिए निकले हैं, जो कि हरसिल से लमसम थोड़ा सा ऊपर है और बढ़िया जगह है। और वहाँ पे दलाई लामा जी का टेंपल है, जो कि बौद्ध गुरु हैं, सबसे बड़े बौद्ध धर्म के। और आइए आपको लेके चलते हैं और घुमाते हैं, आपको भी डिजिटल तरीके से कराते हैं दर्शन। इंजॉय करिए आप लोग भी हमारे साथ डिजिटल तरीके से। चलिए चलते हैं। कितने मनमोहक दृश्य हैं, प्रकृति के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव। और उस गांव से लामा टॉप लमसम 3 किलोमीटर है और उस ट्रैक इतना खतरनाक है, आप लोग देख ही सकते हैं। मगर एक नंबर मजा, एक नंबर आ रहा है जी। एकदम प्रकृति के बीच से पूरा ट्रक कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं मंदिर की ओर। वैसे ट्रैक थोड़ा खतरनाक जरूर था और मजा फिलहाल एक नंबर आ रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं कितना खतरनाक ट्रैक था। बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, बस लास्ट ट्रैक है ये वाला, थोड़ी सी सीढ़ियां और हम पहुंच ही रहे हैं बस बिल्कुल मंदिर पे। कराते हैं आप लोगों को दर्शन। एकदम मस्त ट्रैक लगा जी, एक नंबर, मुझे तो भाई मजा आ गया। अब आप लोग हमें अपने कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को ट्रैक। चलो मंदिर के कराते करो दर्शन। ये दलाई लामा टेम्पल है, जो कि ऐसा ही होता है और ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। हम लोग पहुंच गए बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे। आप इससे ऊपर कोई पहाड़ नहीं, एकदम टॉप पे हैं अभी यहाँ पे। इससे ऊपर कोई दूसरे पहाड़ होंगे, बट जिस पहाड़ पे हम लोग हैं उस पे सबसे टॉप पे आ गए। मजा आ गया भाई। आओ दिखाते हैं आप लोगों को टेम्पल दलाई लामा जी का। आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों पे कितना ज्यादा मनमोहक दृश्य है, बादल ही बादल पूरे पहाड़ों पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। ट्रैक पूरा हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं लामा टॉप। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं हम लोग। अब इस पहाड़ पे इससे ऊपर कुछ नहीं बचा। ये दलाई लामा जी का टेम्पल है यहाँ पे। और ट्रैक थोड़ा कठिन तो था, बट सबसे अच्छा ट्रैक लगा मुझे। देख सकते हैं आप लोग, बहुत मजा आ रहा है भाई। अब ये देख रहे हो, ये बहुत सारा फोग निकल रहा है। सबसे टॉप पे आ गए भाई। ये पीछे जो देख रहे हो, जस्ट पीछे यहाँ पे ग्लेशियर जमा हुआ है ऊपर। हम लोग लामा टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे दलाई लामा जी का टेंपल है, जो कि हम लोग अपने सोच सकते हैं
आइए इधर देखिए, पूरा झंडा ही झंडा इधर लगे हुए हैं। और हम लोग लामा टॉप से ना आप लोगों को दिखाते हैं हर्सिल, कितना सुंदर लग रहा है। भाई साहब प्लीज थोड़ा सा हर्सिल दिखाएं। हम बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं और यहाँ से बादल देख सकते हैं आप, कितने ज़्यादा मनमोहक लग रहे हैं। मुझे तो भाई मज़ा ही आ गया। और बादल के दर्शन हो जाएं तो फिर देखने लगे नीचे माँ गंगा के दर्शन हो जाते हैं। तो लोकेशन तो एक नंबर है, ऊपर सफाफ और नीचे माँ गंगा के दर्शन करके दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है। यहाँ से तीन साइड से आप अच्छे से मंदिर को देख सकते हैं और हर्सिल की खूबसूरती भी निहार सकते हैं। एक साइड हो गया, अब आपको लेके चलते हैं हम दूसरी साइड और फिर से आपको दिखाते हैं। समय हो चुका है तो अब हम लोग चल रहे हैं नीचे ट्रैक कंप्लीट करके। को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने सोचा क्या ना बघौरी गांव, जो कि राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कारित है और पीएम मोदी अभी कुछ समय पहले ही यहां आए थे, उसको भी एक्सप्लोर कर लिया जाए और हम लोग निकल पड़े बघौरी गांव की ओर। ये गांव प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है और माँ गंगा इसके किनारे से निकलती है। माँ गंगा के किनारे पे बसा हुआ है बघौरी गांव, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ की बिल्डिंगें आपको लकड़ी की मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी होंगी और यहाँ का मेन रोजगार खेती है। यहाँ पे सेब की खेती अच्छी खासी होती है। वेलकम टू बघौरी प्लेस। आइए आप लोगों को दिखाते हैं, मोदी जी ने अभी जल्दी ही आए थे। इतने पुराने मकान बने हुए हैं लकड़ी के, एकदम मस्त। गांव आने के बाद जिस भी बिल्डिंग पर नजर पड़ी तो मन करा कि इसके निहारते जाओ, क्योंकि लकड़ी की बिल्डिंग है और उसका डिजाइन एक नंबर लग रहा है। मेरे को मजा आ रहा है भाई।